Dr. Mrinalini Sharma. I'm a plastic and cosmetic surgeon practicing in Estiva Cosmetic Clinic Saket. आज इस वीडियो में मैं आंसर करूंगी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी और नोज सर्जरी एज इट इज नोन. नाउ राइनोप्लास्टी जो है वो एक ऐसी सर्जरी है जो वेरियस इंडिकेशंस के लिए की जाती है एंड जाहिर है कि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. सो फर्स्ट लेट अस नो व्हाट आर द रीजंस फॉर व्हिच वी गेट अ राइनोप्लास्टी डन. सबसे कॉमन रीजन ऑब्वियसली कॉस्मेटिक है, इन द सेंस पेशेंट को अपनी नाक की शेप में कुछ चेंजेस लानी है. अब शेप में क्या चेंजेस ला सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी नाक टेढ़ी है या द साइज इज टू बिग और मेरे नॉस्ट्रल्स बहुत बड़े हैं या कोई बोनी प्रोजेक्शन जिसे हम इस एरिया में हम्प महसूस करते हैं उसके लिए भी राइनोप्लास्टी की जाती है. द अदर रीज़न इज़ अ फंक्शनल प्रॉब्लम, एज इन सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसलिए राइनोप्लास्टी कराई जा रही है. नाउ सांस लेने में दिक्कत यूजुअली सेप्टल डिविएशंस जिसे हम कहते हैं उसकी वजह से होती है कि नाक की जो हड्डी है अंदर से टेढ़ी है जिसकी वजह से एयरवे जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है एंड द पेशेंट इज हैविंग अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सो दैट्स द सेकेंड रीजन फॉर व्हिच पीपल गेट अ राइनोप्लास्टी डन. द थर्ड इज से पोस्ट ट्रॉमेटिक, दैट इज कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ या उसे कोई चोट लगी जिसकी वजह से नाक की शेप जो है ख़राब हो गई है. सो उसे करेक्ट करने के लिए भी राइनोप्लास्टी की जाती है. सो द रेंज ऑफ द प्राइस विद इन विच राइनोप्लास्टी कैन बी डन विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. बेसिकली जितनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होगी जितना ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी विल एक्चुअली इंक्रीज विद दैट. द स्मॉलेस्ट सर्जरी विच इज़ डन इज एन एलाप्लास्टी जिसमें हम नॉस्ट्रल साइज को रिड्यूस करते हैं. नाउ ये प्रोसीजर जो है ये लोकल एनेस्थीजिया में किया जा सकता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसीजर होता है एंड दैट इज़ वाई दिस कॉस्ट द लोवेस्ट. सो आई वुड से द स्टार्टिंग रेंज ऑफ एन एलाप्लास्टी एंड लोकल एनेस्थीजिया वुड बी समथिंग बिटवीन 40 to 50,000. नाउ इफ़ यू टॉक ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जहाँ आपने हड्डियों की शेप चेंज करनी है, टिप की शेप चेंज करनी है, तो उसमें जो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसीजर, बिकॉज कोई भी नाक एक जैसी नहीं होती, हर पेशेंट की नाक का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, उसमें डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें जो मैनिपुलेशंस रिक्वायर्ड है, चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो अलग अलग होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन दैट द कॉस्ट विल अगेन रेंज एनीथिंग बिटवीन 1.2 lakhs to 2 lakhs. दिस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क विच नीड्स टू बी डन ऑन द नोज. अगेन इसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि हम किस तरीके का सर्जरी कर रहे हैं, हम कहाँ से कार्टिलेज हार्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज नाक को शेप देने के लिए जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है हमें कहीं से कार्टिलेज लेना पड़ता है. सो डिपेंडिंग ऑन हमें ईयर कार्टिलेज लेना है, नाक के अंदर से कार्टिलेज लेना है या रिप कार्टिलेज लेना है, कॉस्ट वेरी करेगी. द थर्ड इज यू नो अनदर टाइप ऑफ सर्जरी विच इज़ अ सिलिकॉन इम्प्लांट सर्जरी. सो वो हमारे सेंटर में वी डोंट परफॉर्म कॉमनली, बट दैट इज़ यूजुअली मोर इकोनॉमिकल देन द सर्जरीज जहाँ पे हम सेप्टल कार्टिलेज हार्वेस्ट करके या कॉस्टल या कॉन्कल कार्टिलेज हार्वेस्ट करके राइनोप्लास्टी करें. सो दैट्स अनदर फैक्टर एज टू व्हाट इज द काइंड ऑफ सर्जरी बीइंग डन. देन ऑब्वियसली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्जन्स एक्सपर्टीज, द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड वो सर्जरी कहाँ परफॉर्म की जा रही है. सो इफ यू गोइंग टू गो टू अ सर्जन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन राइनोप्लास्टीज एंड यू नो हैज़ डन नंबर ऑफ सच प्रोसीजर्स, देन ऑब्वियसली द कॉस्ट वुड बी हायर. Plus, if it is done in a hospital setup, again, cost would be higher because of the, you know, the corporate setup itself being a little more expensive than clinics. So that's again another factor. Also, the city, metros would cost you a little more than getting it done in a two-tier city. So, is tarike se, cost of the rhinoplasty will vary depending upon a number of factors. So, ek blanket price dena thoda mushkil hota hai. The surgeon will assess you and tell you कि ये changes required हैं, ये changes possible हैं and based on that consultation वो आपको एक ballpark figure दे पाएंगे कि ये आपका cost होने वाला है. So many patients during my Insta live sessions or during my videos do ask me these questions, but honestly it is very difficult to tell you that price without seeing you in person. So as I said, the price of rhinoplasty ranges from 50,000, so in many complicated cases it can go up to 3 lakhs. So another question is whether it's worth it. Many patients come and tell me कि डॉक्टर मैं ये कराऊँ क्या. सो उसमें मेरा जवाब एक ही होता है, listen, rhinoplasty, unless it's functional, कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, is entirely your decision. If you are comfortable with your nose, if you don't have any problems with it, pure cosmetic rhinoplasty is something which is a patient's choice. I would never counsel a patient to get it done simply because I want the nose to look a certain way.
If and only if the patient thinks ki the nose is, you know, affecting his or her confidence, then I would say yes, go and get a cosmetic rhinoplasty done. Functional rhinoplasty obviously is indicated because agar aapko saans mein dikkat aa rahi hai, agar aapki naak ki jo septum hai wo tedi hai, then unless you get the rhinoplasty done, wo breathing problems worsen ho sakti hai, sinusitis develop ho sakta hai, patient ko chronic headaches reh sakte hain. So there it becomes something which is a necessity rather than simply a preference. So again, इसमें भी एक important factor आता है, वो patients ask me कि क्या मेरी rhinoplasty insurance में cover की जा सकती है. So insurance only provides for essential things. So अगर आपकी नाक टेढ़ी है, if you have a deviated septum which is documented on your CT scans and confirmed by the doctor on examination, अगर आपको उसकी वजह से chronic headaches या sinusitis है, so that is something which is covered by insurance. However, अगर आपको एक प्योरली कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी करानी है, आपके टिप की शेप चेंज करानी है, आपके नॉस्ट्रल की शेप चेंज करानी है, सिंस दिस इज नॉट समथिंग विच इज एसेंशियल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर दिस अंडर इंश्योरेंस. सो टू समराइज इट, राइनोप्लास्टी का प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. आपने राइनोप्लास्टी लाइफ में एक बार करानी है. रिविजन राइनोप्लास्टी इज यूजुअली कॉस्ट यू मोर देन द प्राइमरी राइनोप्लास्टी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज योर सर्जन वाइजली. Don't go simply because the price is lower to a surgeon who is less experienced. Always want a consultation with the doctor and see the pre and post operative photographs of prior patient he or she has worked on, and then choose your surgeon wisely. Thank you so much for watching this video, and if you have any further questions regarding this, please drop a comment in the comment section below and we'll be very happy to reach out to you. Thank you.